हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड वुमन स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू आई ए एक्स एग्जिस्ट इन द स्पेस वेयर ए इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर एंड 20 मीटर टू बी 0। फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओके, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन और ये हो गया 0 0। ओके, जो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से ए एक्स और केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मतलब आप यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम बनाऊं तो देखो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा और आप यहाँ पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये लेंथ होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम लेंथ होगा, सेम लेंथ होगा। ओके, सेम लेंथ होगा, लेकिन अब जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा लीनियरली। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ, दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आप आगे और बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेंथ और इंक्रीज कर जाएगा मैग्नीट्यूड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन एक्स। चलो अब क्वेश्चन में कह दिया है कि इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट 0 0, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना है और दिया क्या है कि ये मान लो ये पॉइंट 10 है, तो 10-20 मीटर पे, ये जो पॉइंट 10 मीटर 20 मीटर है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या है, 0 है। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 0 है। ओके, तो देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमें ये पता हो कि फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव, एक पॉइंट फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ पॉइंट फंक्शन फर्स्ट। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक ना। तो अब हम इस जगह से मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट क्या है, आप किस तरीके से उस पॉइंट पर पहुंच रहे, उस पर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अगर ये आइडिया हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हम सिंपलेस्ट जो अपना पाथ ले सकते हैं वो इस तरीके से ले सकते हैं कि भैया हम यहां से मूव किए यहां पर पहुंचे और ये पॉइंट क्या है, 10 0। ओके, यहां पर पहुंचने के बाद हम फिर ऐसे रिटर्न हुए। ओके, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट, मतलब अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर ही है, यहां पर इधर ही है, यहां पर इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हमारा मूवमेंट कैसे हो रहा है, वी आर मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। सो व्हाट इज द वर्क डन, आप देखोगे ई डॉट डी आर। ओके, ये क्या होगा, दैट विल बी गोइंग टू बी 0। ओके, सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम, अगर मैं इस पॉइंट को, अगर ये ओरिजिन ओ ले लूं, इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं, so work done from A to B, work done from A to B by electric field guys, तो हम full confidence से क्या बोल सकते हैं, it is going to be 0। work done, अगर A से B तक charge particle move कर रहा है इस case में, so वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, वी कैन से इट विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, चलो अब सो यहां से यहां तक जाने में वर्क डन क्या होगा, वर्क डन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, हमारा मूवमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ड्यू टू इट वर्क डन इज गोइंग टू बी 0। तो वर्क डन 0 है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, 0। वर्क डन 0, इसका मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी 0। इसका मतलब क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल आल्सो इज गोइंग टू बी 0। इसका मतलब क्या है,
कि VA इज इक्वल टू VB व्हिच इज इक्वल टू जीरो, तो इसका पोटेंशियल जीरो है तो यह इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, जीरो है। ओके चलो अब हम कहां से मूव किए, अब हम मूव किए यहां से, हम इधर जा रहे हैं। ओके तो इस केस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ओ क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लिखूं यहां पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो ये चार्ज Q है यहां पे, तो F फिजिकल टू क्या हो जाएगा, Q E। ओके और देखो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ओके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, इनके बीच का एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो देखो तो वर्क डन क्या होगा बेसिकली dW इज बेसिकली F डॉट dr, दैट इज Q डॉट dr, और ये क्या आएगा बेसिकली, ये आएगा QE dr माइनस, क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। ओके और dr की जगह पर मैं dx लिखता हूं बिकॉज ये x है, ये इसमें डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से हो रहा है। ओके चलो तो ओके सो गाइस नेट वर्क डन क्या होगा हमारा, नेट वर्क डन भी माइनस क्यू ई डी एक्स। तो मैं यहां पर इसको इंटीग्रेट करूं। ओके एक्स x की वैल्यू कहां से, इनिशियल वैल्यू कहां थी, x इनिशियल जो था 10 पे, फाइनल क्या है 0। ओके सो व्हाट कैन आई राइट, 10 0। ओके सो मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, देखो q माइनस q a x ओके dx 10 टू 0। सो व्हाट वी गेट, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा व्हाट वी गेट, माइनस क्यू ए एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 10 से लेकर के 0 तक। सो व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी क्यू ए 100 का स्क्वायर। ये लिमिट गड़बड़ रख दिया हमने, हमें लिमिट क्या रखनी है, हम एक्चुअली ऑटोमेटिकली खुद ब खुद साइन लगा चुके हैं, हमने साइन क्या कर लिया है, खुद ब खुद साइन लगा दिया है, तो हमें लिमिट जो है पॉजिटिव रखना पड़ेगा भैया। ये जीरो दिस इज गोइंग टू बी 10, ये जीरो दिस इज गोइंग टू बी 10, क्योंकि हमने साइन क्या लगा लिया है खुद ब खुद। ओके हमेशा ध्यान रखिएगा लिमिट वगैरह के बारे में, नहीं तो अच्छे अच्छे गलती कर जाते हैं। तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये बस श्योर है, हम चेक कर चुके हैं, वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक तो आप भी कहीं ऐसा गलती कीजिए तो यू हैव टू चेक। सो व्हाट वी गेट बाय टू, ये माइनस होगा और क्या हो जाएगा, ये 100 ओके माइनस जी। सो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी वर्क डन क्या होगा, सॉरी बी टू ए, बी टू ए में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, माइनस 50 क्यू ए। ओके सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली 50 क्यू ए। ओके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो V A minus potential energy at B, which is equal to
50 QE. ओके, तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू. सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिवाइडेड बाय क्यू, व्हिच इज 50 QA डिवाइडेड बाय क्यू. सो क्यू क्यू कैंसिल, व्हाट वी गेट? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 50 A. एंड व्हाट इज द ए? क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या दी हुई है? क्वेश्चन देखोगे ए की वैल्यू दिया हुआ है 10. ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 10. सो वी ए माइनस वी बी इज 10. सो 50 × 10 दैट विल बी 500 volt. ओके, तो ये क्या है? वी बी क्या है? जो हमारा बी है, हमने क्या कैलकुलेट किया था? वी बी, वी बी इज इक्वल टू बेसिकली जीरो है. ए क्या है? ओरिजिन. ओके, एक्चुअली इसको ओ कर देते हैं. ये ओ है बेसिकली, ओ नॉट ए टू बी. हमारा ओरिजिन था एक्चुअली. नोशन में यहां पर ये गड़बड़ हो गया है. आई होप आप इसको समझते होंगे. ओके, फ्रॉम बी टू ओ, कहां से कहां मूवमेंट हो रहा है? बी टू ए नहीं, बी टू ओ, हम ओरिजिन की तरफ मूव कर रहे हैं. ओके, तो नोशन में गड़बड़ हो गया था, तो आई होप आप इसको समझ जाओगे. सो वी ओ माइनस वी बी इज इक्वल टू 500 volt. ये क्या है? यहां पर हमने कैलकुलेट किया था, ये क्या था? जीरो. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन? दैट विल बी 500 volt. ओके, वर्मा जी ने क्या दिया है? ओके, इट इज ऑल्सो 500 volt. सो दैट्स ऑल गाइज. आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा. एंड गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.